जिला अमृतसर के तहसील अजनाला में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार नाबालिग लड़की जब अपने घर में सो रही थी, तभी मेवा सिंह नाम के व्यक्ति ने लड़की को घर से अगवा कर नजदीकी किसी के घर पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की सुबह अपने घर पर आई तो उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद परिवार वालों ने मेवा सिंह के खिलाफ अजनाला में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस की ओर से बलात्कार के दोष में मामला दर्ज कर लिया। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अभी तक पुलिस की ओर से दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और पुलिस उन्हें राजीनामा करने का दबाव डाल रही है। अच्छा, उस तो बाद तो पुलिस को कंप्लेंट दी। हाँ जी। कितनी तरीक को कंप्लेंट दी? 9 तरीक। अच्छा, फिर पुलिस ने की कार्रवाई की थी? पुलिस ने बाद में गया अपन होना कार्रवाई की थी, पर चकटा बाद में पुलिस नहीं गई। ते उन्होंने मुंडे को जानने तो के नहीं जानते जेड़े मुंडे सीगे दो दोवें जने सी? हां, पता पहले हूं पता है। की नाम है मुंडे का पता कुछ? हां जी। की नाम है? मेवा सिंह। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦਬੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੰਭਾਗ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਹੈਗਾ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਿੰਡ ਖਾਣਵਾਲ ਜੇ, ਅਤੇ ਸਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ, 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਥਰੈਟ ਥਰੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰ? ਕਦੇ ਮੁੱਛਣ ਵੱਟ ਚਾੜਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਭਜੰਗ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਜੱਟ ਜੁੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ। ਵਹੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ वीर नक्षत्र नाथ शेरगिल ने बताया कि पीड़ित परिवार उनके पास आया है और पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें राजीनामा करने के लिए दबाव डाल रही है, जो कि सरासर गलत है, और वह इस बात की निंदा करते हुए और पुलिस को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अगर उनकी ओर से आरोपी को गिरफ्तार ना किया गया तो वह जल्द ही अजनाला थाने का घेराव करेंगे और रोज प्रदर्शन करेंगे। वाल्मीकि जी से वो मैं दसना चाहना कि इस परिवार के नाल बहुत ज़्यादा धक्का होया है, अजनाले के रहने वाले ने, तो ये जिहड़ा रेप अटेंड किया गया प्रशासन वालों, जिहड़ा वो सिर्फ एक एफ आई आर दर्ज करके 376 होर धारा अधीन 163 नंबर जी एफ आई आर अजनाला थाना विखे दर्ज करके, तो सिर्फ एफ आई आर ही फड़ा दी गई है इन्हों के उत्ते, उन्होंने दोषियों के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्होंने अंडर नहीं दिता गया। हुण वह परिवार जिहड़ा है वो लड़की नूं परेशान कर रहा, उन्होंने तंग कर रहा है कि यह जिहड़ा है ते राजीनामा किया जाए, जिस विच प्रशासन भी मैं समझदा बहुत वड्डी उन्हां दी ढिल हैगी आ, जिहड़ा इस बच्ची दे नाल धक्का करन वालिआं नूं अजे तक अरैसट नहीं किया गया, क्योंकि प्रशासन जिहड़ा हैगा जनाला उत्थों दा SHO कोई वड्डी जिहड़ी है ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ
माणयोग SSP साहब दे नाल जिहड़ी आ उह गल करांगा अते मैं DGP पंजाब नूं जिहड़ा एक एप्लीकेशन लैटर पैड ते अपनी ते भेजांगा भी इन्हां परिवार की सुनवाई की जाए अते दोषियां नूं जिहड़ा वो तुरंत सज़ा दी जाए। तो मैं समझदा भी इस कुड़ी की सुरक्षा जिहड़ी आ उह वी यकीनी बनाउणी चाहीदी आ क्योंकि इस तरह के नाल जेकर इदां ही धक्का हुंदा रहा ते जिदा लॉकडाउन चल रहा है घरां दे विचों लोग बाहर निकल लई तैयार नहीं हैगे पर इस बच्ची दे नाल जिहड़ा लॉकडाउन दौरान ही जिहड़ा उह रेपट मैं जदों ही लॉकडाउन खत्म हुंदा उस दे दौरान ही जिहड़ी आ लोड़ पैण ते असीं अजनाला थाणा दा घराओ वी करांगे अते मैं माणयोग SSP साहब नूं एक बेनती करदा कि इस बच्ची नूं इंसाफ दिवाउण लई जिहड़ा SSP साहब आप दखल करन अते इस परिवार नूं जिहड़ा इंसाफ दिवाया जाए ये निरा ही जिहड़ा SHO-आं ते ना छड्डिया जाए क्योंकि SHO जिहड़े ने वह परिवारां नूं इंसाफ देवण च असफल हो रहे हैं वह अजनाला थाने दे SHO जिहड़ा असफल हो रहा है। वही संबंध में जो पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कर्फ्यू में ड्यूटी लगी होने के कारण उनसे बात तो ना हो सकी, लेकिन जब SHO अजनाला को फोन किया तो उन्होंने अपना फोन ही अपने गनमैन को दे दिया और उन्होंने कह दिया कि अभी वह बात नहीं कर सकते। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस जरूर राजीनामा करवाने के लिए दबाव डाल रही है। अमृतसर से मुकेश मेहरा, GVA पंजाब TV।